दया शंकर सिंह जी का है, ये चंदौली से पीसीसी सदस्य हैं। श्री दया शंकर सिंह जी, आप कह रहे हैं कुछ लोगों का मानना है कि शीला जी की उम्र की वजह से वे उचित मुख्यमंत्री की उम्मीदवार नहीं है, आपका क्या विचार है? आयु से जरूरी सोच होती है। यूपी के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एंट्री, लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब राहुल ने सवालों के जवाब में यूपी को लेकर वादों की झड़ी लगा दी। राहुल ने कहा कि यूपी का भला हो सकता है तो बस कांग्रेस के हाथ से। समय होता था जब उत्तर प्रदेश सबसे आगे होता था, पहले नंबर पे होता था, और कांग्रेस पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो यहाँ आया है, जो कर्मठ है, जो मजबूत है, जो लड़ने आया है, वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर पहले नंबर पे जाए, और ये काम हम पूरा करके दिखाएंगे आपको। राहुल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने में पार्टी महिलाओं और युवाओं को तरजीह देगी। उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि चुनावी मैदान में कांग्रेस के पहले निशाने पर होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप उनसे पूछिए बुलेट ट्रेन के टिकट का दाम क्या होगा, 10-15 हजार रुपए से कम का दाम नहीं होगा। कौन जाएगा उस पे? नरेंद्र मोदी जी और उनके सूट बूट वाले दोस्त। कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित की उम्र को लेकर हुए सवाल पर राहुल ने कहा कि उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। शीला दीक्षित ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। तो ये जो हाल हुआ है उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल बेहाल, क्या हाल, क्या बेहाल जो हुआ है, उसे यदि सुधारना है तो कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आपको चुननी चाहिए। कांग्रेस ने यूपी में अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय होने के बाद एक्शन में तेजी ला दी है, लेकिन राज्य में सत्ता की मंजिल के लिए विधानसभा चुनाव में उसे 202 सीटों का सफर तय करना होगा। इसलिए सवाल है, क्या पूरे होंगे राहुल के ख्वाब? खराब मौसम के बावजूद लखनऊ पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का यह दौरा बेशक कई मायनों में खास रहा। लोगों से पूछे गए 50 सवालों का जवाब राहुल गांधी और उनके साथियों ने दिया। हालांकि सवाल कोई नए नहीं थे और जवाब भी कोई अनूठे नहीं थे। बावजूद इसके राहुल गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश में विकल्प नहीं बल्कि सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कैमरामैन मन्ना के साथ अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ।